गांधी है, महात्मा गांधी के पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम कस्तूरी बाई है। महात्मा गांधी ने अपनी पढ़ाई लंदन से पूरी की थी। और इस बार महात्मा गांधी जी की 2024 में कौन सी जयंती मनाने जा रहे हैं? 124 जयंती। और महात्मा गांधी जी की जयंती मनाते कब है? 2 अक्टूबर को। 2000 आए वो पता जाएगा, जयंती आगे छुट्टी जाए, लेकिन 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती मनाते हैं। 2 अक्टूबर को क्यों मनाते हैं? 2 अक्टूबर के दिन ही महात्मा गांधी जी का क्या हुआ था? उसके बाद महात्मा गांधी जी के साथ साथ पूरे विश्व में आज 2 अक्टूबर 2024 को इंटरनेशनल इन वॉयलेंस डे, हिंदी में क्या बोलते हैं? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मना। अहिंसा जो महात्मा गांधी जी की सबसे बड़ी ताकत थी। अगर पूछा जाए कि महात्मा गांधी जी की पूरी जीवनी में एक शब्द आप निचोड़ के रूप में क्या कहना चाहेंगे, तो वो है अहिंसा। महात्मा गांधी जी ने जो भी एक्सपेरिमेंट किया अपनी जीवनी में 2 अक्टूबर 1869 से लेकर 30 जनवरी 1948 तक, पूरी जीवनी के अंदर उन सभी एक्सपेरिमेंट के अंदर एक ही शब्द इम्पोर्टेंट था, वो शब्द था अहिंसा। गांधी जी का यही विचार था कि देश में वॉयलेंस जो है इन वॉयलेंस पर काम करना चाहिए, वॉयलेंस नहीं होनी चाहिए, अहिंसा पर काम करना चाहिए, हिंसा ज्यादा से ज्यादा नहीं फैलनी चाहिए, क्योंकि इससे आम जनता को और देश को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। बचपन के अंदर महात्मा गांधी जी छोटी उम्र के अंदर शिक्षा लेने के बाद मात्र 13 साल की उम्र में महात्मा गांधी जी की शादी हो गई थी कस्तूरबा गांधी से। किससे शादी हुई थी? कस्तूरबा गांधी से। कितने साल में? 13 साल की उम्र। 69 में जन्म हुआ, 13 साल जोड़ देंगे कितना आया? 69 और 13 कितने होते? 1882 में महात्मा गांधी जी का विवाह हुआ था कस्तूरबा गांधी, जो की धर्म पत्नी थी, और माता का नाम था पुतली बाई। गांधी जी अपनी माता के वचनों के अंदर शुरू से लेकर आखिरी तक बंधे हुए, क्योंकि महात्मा गांधी जी की माँ जो है उन्हें 3 वचनों के अंदर हमेशा बंधे रहती थी, और वो वचन महात्मा गांधी जी जो है वो अपने साथ, महात्मा गांधी जी के जेब में पैसा हो नहीं हो, वो 3 वचन उनके साथ हमेशा चलते। जब महात्मा गांधी जी वकालत की पढ़ाई करने गए तो महात्मा गांधी जी को लगा कि इस देश के अंदर कुछ अगर परिवर्तन करना है तो देश की राजनीति जो है, देश की राजनीति जो है वो सीखनी पड़ेगी, और व्यक्ति राजनीति तभी सीख पाता है जब वो राजनीति की पढ़ाई करेगा। अब तो हमारे देश में राजनीति की पढ़ाई हो जाती है, लेकिन कुछ टाइम पॉलिटिकल साइंस को पढ़ने के लिए हमें विदेशों में जाना पड़ता। गांधी जी कानून की पढ़ाई सीखने के लिए इंग्लैंड चले गए। इंग्लैंड में गांधी जी के साथ बहुत सारा दुर्व्यवहार होता था। कारण ये था कि गांधी जी की माँ ने बोला था कि आपको हमेशा शाकाहारी रहना है, ना को मांस का सेवन करना है, ना मदिरा का सेवन करना है, तो शराब नहीं पीना है। जबकि ब्रिटेन के अंदर बहुत ही कम ऐसे रेस्टोरेंट थे जहाँ पर शाकाहारी भोजन मिलता हो। महात्मा गांधी जी को पूरे कई बार तो भूखे रहना पड़ता था पुलिस स्टेशन के अंदर, क्योंकि वहां पर शाकाहारी रेस्टोरेंट नहीं था। और उधर महात्मा गांधी जी ने अपनी जेब में अपनी माँ के 3 वचन डाल रखे थे, जिसमें से पहला वचन यही था कि जीवन में कभी भी मांस और शराब का सेवन नहीं करना। महात्मा गांधी जी फिर भी कठिन परिस्थितियों में अपने आप को भारते हुए वकालत की पढ़ाई पूरा करके वापिस अपने देश भारत लौटे। जैसे ही भारत लौटे थे उनको पता चला कि यहाँ तो अंग्रेज बहुत ज्यादा हावी हो रहे हैं, और धीरे धीरे महात्मा गांधी जो है इस सिद्धांत पर काम करना शुरू कर दिया, इस देश से अगर अंग्रेजों को बाहर निकालना है, अंग्रेजों के प्रति अपनी नीतियाँ लागू करवानी है, तो अंग्रेजों की नीतियाँ सीखनी पड़ेगी। और अंग्रेजों की नीतियाँ सीखने के लिए एक गुजरात का व्यक्ति था, महात्मा गांधी जी का जन्म भी काठियावाड़ में हुआ था, पोरबंदर के अंदर गुजरात में पड़ता है। वहां से एक व्यापारी था जिसका नाम था दादा अब्दुल्ला। व्यापारी का नाम क्या है? दादा अब्दुल्ला। उस व्यापारी जो है उसकी बातों को दक्षिण अफ्रीका के अंदर उसका कुछ केस चल रहा है, इसलिए महात्मा गांधी जी है उसके व्यापार को लेकर दक्षिण अफ्रीका गए, और पहले एक नीति चलती थी गोरे और काले, भारत वाले कलर में गोरे हो सकते हैं लेकिन नीति में काले थे,
और अंग्रेज कलर में काले हो सकते हैं लेकिन नीति में क्या थे गोरे। इसलिए रेल का टिकट होने के बावजूद भी महात्मा गांधी जी को रेल के डिब्बे में बैठने नहीं दिया। कभी फर्स्ट श्रेणी और द्वितीय श्रेणी दो डिब्बे होते हैं और महात्मा गांधी जी अपना तृतीय श्रेणी का टिकट पाने के बाद भी जनरल सामान्य डिब्बे में बैठकर दक्षिण अफ्रीका गए। दक्षिण अफ्रीका के अंदर वहां पर अपने एक्सपेरिमेंट किए। केस जीतने के बाद 1915 में महात्मा गांधी वापस भारत लौटे और जैसे ही लौटे तो भारत के अंदर अंग्रेज बहुत ज्यादा प्रभावशाली हो गए। महात्मा गांधी जी ने अपना पहला जो आंदोलन है वो चंपारण में शुरू किया था और चंपारण पड़ता है बिहार के और वहां पर राजकुमार शुक्ला के कहने पर अपनी सारी कार्रवाई उन्होंने शुरू कर दी। फिर मजदूरों के साथ हड़ताल की गुजरात में, फिर खेड़ा के अंदर आंदोलन किया, फिर इसी बीच में एक अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था रोलेट सिडनी। इस रोलेट सिडनी ने 1919 के अंदर भारत में कानून लागू कर दिया कि अगर आपको कोई व्यक्ति ऐसा लगे कि उस वो भारत है भारत का हो और ऐसा लगे कि वो अंग्रेजों को नुकसान पहुंचा सकता है तो उस पर कोई आरोप नहीं है, सत्य के आधार पर उसको जेल में डाल दो। और इस कानून को महात्मा गांधी जी ने काला कानून कहा। इसी कानून के तहत एक बहुत बड़ी त्रासदी भारत में घटी जिसको बोलते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 बैसाखी के दिन। उसके बाद महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन शुरू करते हैं। भारत की जनता को कहा जाता है कि आप जो है वो अंग्रेजों का सहयोग नहीं करें, विदेशी वस्तुओं को जला दें, चक्के पर ज्यादा ध्यान दें, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए और सामान्य सामान्य वस्तु जो है आम जनता तक पहुंचाएंगे। फिर 1930 के अंदर नमक के लिए महात्मा गांधी जी ने साबरमती आश्रम से एक यात्रा निकाली जिसका नाम था दांडी मार्च और उसके तहत महात्मा गांधी जी ने नमक त्याग किया। 1930 में महात्मा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया, वो भी कुछ टाइम के लिए चला, उसके बाद वो समाप्त हो गया। आखिर में महात्मा गांधी जी को जब इससे लगा कि अब देश को आजाद करवाने का टाइम हो गया है तो सभी देशवासियों को इकट्ठा करके महात्मा गांधी जी ने एक नारा दिया, करो या मरो, या तो कुछ कर लो या फिर मर जाओ। और इसी के तहत 8 अगस्त 1942 को भारत में एक आंदोलन छिड़ गया जिसका नाम था भारत छोड़ो आंदोलन। जो भारत क्या कर दो छोड़ो, ये आंदोलन कुछ टाइम तक चलता रहा। आखिर में 14 अगस्त को एक नया देश भारत से अलग हो गया जिसका नाम था पाकिस्तान। और जैसे 14 अगस्त की रात के 12 बजे तो एक नया देश स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त को जिसका नाम था भारत। फिर बीच में आजादी और संविधान लागू होने से पहले ही महात्मा गांधी जी की 30 जनवरी 1948 को क्या हो जाती है मृत्यु हो जाती है और मृत्यु करने वाला व्यक्ति कौन था? नाथूराम गोडसे। महात्मा गांधी पूरे जीवन भर जिस सिद्धांत पर काम करता था वो सिद्धांत था अहिंसा। महात्मा गांधी जी का सबसे बड़ा मित्र किसको मानते हैं? अहिंसा। देश में कौन सी जयंती मना रहे हैं? महात्मा गांधी जयंती। और कौन सी मनाने जा रहे हैं? 155वीं। 155वीं।